हवस की कहानियां भाग दो लस्ट स्टोरीज पार्ट टू भाई नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो चुकी है और मुझे पता है आप में से ज्यादा लोग इसे क्यों देखने वाले हो, पता है ना? वही। लेकिन लस्ट स्टोरीज पार्ट टू देखने से पहले अगर आपने पार्ट वन नहीं देखी है तो शायद मैं आपको एक फोटो याद दिला दूं, शायद अगर आपको उसे देख करके कुछ याद आ जाए। ये फोटो याद है कियारा आडवाणी की? अगर ये फोटो आपने देखी और ये वीडियो देखी है तो आपने लस्ट स्टोरी पार्ट वन देखी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, लस्ट स्टोरीज पार्ट टू का लस्ट स्टोरीज पार्ट वन से कोई भी लेना देना नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। बस दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन चीज है और वो है हवस, यानी कि लस्ट। लस्ट स्टोरी पार्ट वन की तरह लस्ट स्टोरी पार्ट टू में भी चार अलग अलग कहानियां हैं जो कि हमें एक ही फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाली है। जो चार कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो आप खुद ही सोच लो, जब एक फिल्म की चार कहानियां एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है तो लस्ट स्टोरी पार्ट टू पार्ट वन से रिलेटेड कैसे हो सकती है? उसके अंदर भी चार कहानियां थी जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थी और लस्ट स्टोरी पार्ट टू में भी चार कहानियां हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। और हाँ, एक चीज आपको बता दूं कि जो सोच करके आप इस फिल्म को देखने जाने वाले हो ना, वो शायद उतना आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ये पूरी फिल्म जो है 2 घंटे 12 मिनट की है, जिसके अंदर चार डिफरेंट स्टोरीज हैं उनके अलग अलग टाइम के हिसाब से। इसकी फर्स्ट स्टोरी है जिसकी लेंथ है 25 मिनट की, जिसको डायरेक्ट किया आर बल्गी ने, जिन्होंने पैडमैन और मिशन मंगल जैसी मूवीज ऑलरेडी बना रखी हैं। फर्स्ट स्टोरी का मोटिव ये है कि इसमें आपको दिखाया गया है कि शादी से पहले सेक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब कि शादी से पहले सेक्स करना क्यों ज़रूरी है, जिसमें आपको लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे मृणाल ठाकुर और नीना गुप्ता जैसी बड़ी एक्ट्रेस। शादी से पहले सेक्स की इम्पोर्टेंस समझाई गई है कि शादी से पहले एक टेस्ट ड्राइव ले लेनी चाहिए कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए कि वो बंदा आपके लिए सही है, अगर नहीं है तो फिर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये स्टोरी हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है, शायद मुझे अब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी ठीक है, जिसमें आपको हवस तो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मजे आएंगे। अब आ जाते हैं स्टोरी नंबर दो पर, जिसको डायरेक्ट किया है कोंकणा सेन ने। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भाई वेकअप शीट जिस किसी ने वो मूवी देखी है जिसमें जो एक्ट्रेस है वही है कोंकणा सेन शर्मा। तो भाई ये एक्ट्रेस तो कमाल की है ही, लेकिन ये डायरेक्टर भी बहुत कमाल की है। और भाई ये वाली स्टोरी ना आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इसके अंदर आपको दो एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है, क्लोत्मा सेन और अमृता सुभाष। इनकी ये वाली स्टोरी सेकंड स्टोरी जो है वो थोड़ी हटके है, थोड़ी डार्क है, लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा कमाल की है, जिसमें एक होती है मेड और दूसरी होती है उसकी मालकिन। मेड जो होती है वो अपनी मालकिन के बेड पर ही गपागप करने के लिए लगी हुई होती है, और उसकी जो मालकिन है अमृता सुभाष वो उनको ये सब कुछ करते होते देख लेती है। और बाकी स्टोरी में क्या होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो देखने के लिए आपको सस्पेंस बना रहने दो और वो देखने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। ओके, तो मेरे हिसाब से भाई ये स्टोरी दूसरी वाली मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो कि आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़े भी आएंगे। अब आ जाते हैं स्टोरी नंबर थ्री पर, जिसको डायरेक्ट किया है सुजय घोष ने। और मैं सच बताऊं भाई, ये वाली स्टोरी बिना सर पैरवार की है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको हवस लस्ट ही देखने को मिलेगी, जिसमें तमन्ना के ग्लैमर को दिखाने की बहुत तगड़ी कोशिश की गई है, समझ रहे हो ना? और भाई इसमें एक विजय शर्मा जैसे एक दमदार एक्टर को भाई टोटली वेस्ट कर दिया इस स्टोरी के अंदर, और आधे से ज़्यादा ये कहानी आपको ऐसी लगेगी देखने में जैसे कि आपको सपना देख रहे हो, मतलब कि एकदम रियलिटी जैसा तो कुछ है नहीं, और अचानक से एकदम से सीन बदल जाता है ना, उसी हिसाब से इस फिल्म के अंदर है। और आधे से ज़्यादा ये वाली स्टोरी ग्रीन स्क्रीन पे शूट की गई है, बाकी सब कुछ इसके अंदर नकली सा लग रहा है। अगर इस सब के बाद भी अगर आप इस फिल्म को तमन्ना और हवस के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बाकी इस स्टोरी का कोई सर पैर नहीं है। अब आ जाते हैं भाई स्टोरी नंबर फोर पर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें हवस के अलावा भी रियलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब कि एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर हवस तो है ही, लेकिन वो स्टोरी आपको देखने में बहुत ज़्यादा कमाल की भी लगेगी, और उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा कमाल का ट्विस्ट है। और उससे भी बड़ी बात भाई, इसके अंदर आपको दो कमाल के दिग्गज कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। और भाई इस स्टोरी में आपको एक बहुत ही कमाल का ट्विस्ट देखने को मिलेगा, मतलब कि जब आपको लगेगा कि हाँ मुझे तो पता ही था यही होने वाला है, लेकिन अचानक से एक ऐसा शॉकिंग मूवमेंट आएगा कि आप उसको देखते रह जाओगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि अचानक से हुआ क्या इस वाली स्टोरी के अंदर। तो भाई ये वाली स्टोरी मुझको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी है, और शायद इसीलिए ये वाली स्टोरी सबसे लास्ट में रखी गई है। तो भाई इस पूरी फिल्म के अंदर दो स्टोरीज ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, और दो स्टोरीज ऐसी हैं जो बिल्कुल बकवास हैं। और भाई
इसके अंदर काफ़ी सारे सेक्स सीन्स हैं, ओपनली नहीं है लेकिन हैं, और थोड़ी बहुत एब्यूजिंग भी यूज़ की गई है, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। तो ये फिल्म जो है अनमेच्योर लोगों के लिए नहीं है, तो बच्चे इससे दूर रहें और जो बड़े हैं वो ज़रा अकेले में ही इस फिल्म को देखें। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो देखो ना यार, मना किसने किया है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगली किसी स्टोरी में किसी नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।